हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। तो बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का फिफ्थ पार्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले तो इस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हमें इक्वेशंस को फॉर्म करना है और उसके बाद हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम जल्दी से इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। A fraction becomes 9/11। इसका मतलब है एक फ्रैक्शन है जो कि बन जाती है 9/11, ठीक है। हमारी एक फ्रैक्शन है, सर कौन सी फ्रैक्शन है हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 9/11 बन जाती है। अगर कैसे बनती है, अगर 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब कि हमारी एक फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11 अगर हम 2 को ऐड करें न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब नीचे वाला लाइन पढ़ते हैं। इफ अगर हम 3 को ऐड करेंगे न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, देखो इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। माने कि अगर हम अपनी फ्रैक्शन में 3 को ऊपर भी जोड़ेंगे, न्यूमिरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे भी जोड़ेंगे 3, तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। ठीक है, सिंपल है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन ढूंढनी है। चलो हमें ढूंढना क्या, उसे देखो फ्रैक्शन को। अब यार फ्रैक्शन में एक होता है ऊपर वाला जिसे हम बोलते हैं एनआर, ठीक है। एक होता है नीचे वाला जिसे हम बोलते हैं डीआर, मतलब कि डिनोमिनेटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं। तो एक काम करते हैं, मुझे ना तो पता है ऊपर क्या आएगा ना तो पता है नीचे क्या आएगा, तो लेट एनआर बी इज इक्वल एक्स। एनआर मतलब ऊपर जो नंबर आएगा मैंने उसे एक्स मान लिया, और जो नंबर नीचे आएगा उसे मान लिया मैंने y, ठीक है। और हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, आप लोगों को पता है, जैसे अगर मैं अपनी फ्रैक्शन लिखूं तो मेरी फ्रैक्शन हो जाएगी ऊपर x आएगा और नीचे y आएगा, फ्रैक्शन बन गई x अपॉन, ठीक है। मुझे नहीं पता था ना ऊपर क्या नंबर आएगा, मैंने x मान लिया और नीचे जो नंबर आएगा उसे y, और फ्रैक्शन हमारी x y होगी। चलो जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसा ही करूंगा। क्वेश्चन ने बोला था हमारी फ्रैक्शन जो है, यदि हमारी फ्रैक्शन, अगर हम अपनी फ्रैक्शन, हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 9/11 बन जाएगी। हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11, ऐसा ही क्वेश्चन ने बोला है ना, हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो बन जाएगी 9/11। ये रही हमारी फ्रैक्शन और वो बन गई क्या 9/11। कब, अगर हम 2 को ऐड करेंगे बोथ, मतलब दोनों में, न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर मैं 2 ऊपर भी ऐड करूं और मैं 2 नीचे भी ऐड करूं, तो देखो मेरी फ्रैक्शन थी ना, मैंने अपनी फ्रैक्शन में 2 ऊपर भी ऐड करा और 2 नीचे भी ऐड करा, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई 9/11। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना सॉल्व करेंगे कैसे। हम इसे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता होगा, ये एरो साफ बता रहे हैं, ये जो 11 है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, देख सकते हो 11x+2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये 11 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x+2 से, बीच में इक्वल का साइन। ये जो 9 है वो y+2 से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहां पर इक्वल के उस पार, देख क्या, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई था, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होके इधर आ गया, ये वाला पार्ट इस वाले से मल्टीप्लाई होके इधर आ गया। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है, सबसे होगा। 11 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 11x, फिर ये प्लस आ गया। 11 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 22, ठीक है। 9 अगर y से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 9y, फिर ये बीच में प्लस आ गया। 9 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 18। वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये देखो 11x है, इधर आ गया, ये प्लस का 9y है, इसे इधर लेकर आएंगे तो बच्चों माइनस का 9y हो गया, ठीक है। यहां पर प्लस का 18 ही है, ये देखो ये प्लस का 22 है, अगर मैं इसे उधर लेकर जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 22। देख लो, वेरिएबल वाले एक तरफ कर लिए और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ कर लिए, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तो 11x हो गया, माइनस का 9y हो गया, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 है। बच्चों तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, बड़ी सिंपल वाली, आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने पहली इक्वेशन बना दी, चलिए अभी तो फर्स्ट इक्वेशन बनी है, अभी दूसरी इक्वेशन भी बनाते हैं, यहां बना लेता हूं दूसरी इक्वेशन, चलिए देखते हैं क्या होता है। अब दूसरे पार्ट पे हमारा क्या बोला हुआ था, वो कह रहा था अगर आप अपनी फ्रैक्शन में, अगर हम अपनी फ्रैक्शन में If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। माने कि अगर हम अपनी फ्रैक्शन में
3 ऊपर भी जोड़ दें और 3 नीचे भी जोड़ दें तो हमारी फ्रैक्शन अब क्या बन जाएगी, 5/6 बन जाएगी। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ आप देख सकते हो। अगर 3 फ्रैक्शन हमारी क्या थी, x अपॉन y थी ना, अगर मैंने 3 ऊपर भी जोड़ा और 3 नीचे भी जोड़ा तो फ्रैक्शन 5/6 बन गया। और अब आपको पता है क्या करेंगे हम लोग, हम कर देंगे यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। देख सकते हो आप लोग 6 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा बच्चों x प्लस 3 से, ठीक है। एरो देख सकते हो बीच में इक्वल का साइन आ गया। ये जो y प्लस 3 है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये रहा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, ये प्लस इधर आ गया। फिर 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 18, इक्वल की जगह इक्वल। 5 अगर y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y, ठीक है बच्चों, ये बीच का प्लस ये रहा। 5 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15। वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ, ये 6x, ये प्लस का 5y है, इधर आके माइनस का 5y हो गया, ये प्लस का 18 है, इधर आके माइनस का 18 है, ठीक है। अभी देखते हैं सॉल्व हो रहा है, देखो 6x माइनस का 5y इक्वल, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 आ। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था, पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है और इसमें से पहले तो दोनों इक्वेशंस को फॉर्म करना है। देखो बना दी ना दोनों इक्वेशंस फॉर्म, अब अगला स्टेप होगा हमारा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जल्दी से उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो मैंने दोनों इक्वेशंस को यहां पर रख दिया है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे ये दोनों इक्वेशन में किसी एक को चूज कर लो। तो बच्चों मुझे तो यहां पर इस बार ये वाली चूज करना सही लग रही है, मैं दूसरी वाली को चूज करता हूं, ठीक है। मैंने दूसरी वाली इक्वेशन चूज कर ली, अब दूसरी इक्वेशन चूज करके होगा क्या, देखो दूसरी इक्वेशन में लिखता हूं 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। किसी एक वेरिएबल को रखेंगे यहीं पर, बाकी सबको उधर भेज देंगे। मैं x को इधर रखूंगा सिर्फ, बाकी सबको उधर, देखो माइनस का 5y है ना, उधर जाके हो गया प्लस का 5y। मैंने क्या बोला था, मैं सिर्फ x को रखूंगा, इसके साथ जो नंबर है उसे भी उधर भेजो। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा आपका डिवाइड, क्लियर है पक्का। तो यहां पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन 6। ये बन गई है बच्चों हमारी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। ये है हमारी तीसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन डेरिवेट हुई है दूसरी से, तो पुट होगी आपकी पहली। तो लिख देते हैं हम करेंगे पुट इक्वेशन थर्ड, अपनी इस तीसरी इक्वेशन को किस में बैठाएंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को, ये जो तीसरी वाली इक्वेशन है, इसे पहली पे बैठाना। तो पहले तो हम पहली वाली को उतार लेते हैं, 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, ये रही आपकी पहली इक्वेशन। देखो लिख गई पहली इक्वेशन, मैंने पहली इक्वेशन लिख दी। अब इस पे तीसरी को बैठाना है, तीसरी को बैठाने का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, तीसरी को इस पे बैठाने का मतलब क्या है, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर इस पूरी वैल्यू को उतार, जहां पर भी दिखेगा x वहां पर माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन 6 को उतार दे, जहां पर भी x दिखेगा। 11 की जगह 11, देखो आ गया ना x, तो x की जगह पर ब्रैकेट बनाकर माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन 6, देख सकते हो आप 11 की जगह 11, x की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है। माइनस की जगह माइनस आएगा 9y इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। आपको पता ही है 11 और 6 ऐसे क्रॉस कट भी नहीं रहे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। ऊपर वाला होगा ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वाला होगा नीचे वालों से मल्टीप्लाई। 11 अगर देखो पहले तो माइनस साइन लिख देता हूँ, 11 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 33, फिर ये प्लस साइन लगा देता हूँ। 11 अगर 5y से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 55y, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। आपको पता है इन्हें सॉल्व करने के लिए नीचे वालों का एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया, देखो 6 का और 1 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया। अब देखो बच्चों ध्यान से, नीचे वालों को पकड़ेंगे एक एक करके, 6 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है बच्चों, एक बारी पे आता है, तो ये जितनी भी बारी में आया ना, इस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आ जाता है, 1 को अगर इस पूरे से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये सेम आ जाएगा,
सेम आ गया, ठीक है। ये माइनस का साइन है, इधर लगा दो। देखो ध्यान से, इस वन के टेबल में ये सिक्स कितनी बारी में आता है? सिक्स बारी पे आता है। तो इस सिक्स को ऊपर नाइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सिक्स नाइन जो 54 वाई, ठीक है। तो ये मिटा देता हूं जरा सा। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये प्लस का 55y और ये माइनस का 54y दोनों लाइक है। लाइक टर्म किसे कहते हैं? जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। यहां पर भी y है, यहां पर भी y है। नंबर मत देखो, वेरिएबल को देखो। इधर वेरिएबल क्या है? y, इधर भी वेरिएबल y है, सेम बिरादरी के। ये आ गया माइनस का 33। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा प्लस का y आएगा, ठीक है। 55 में से 54 चला गया तो एक ही y बचा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं। अब यहां पर जो 6 डिवाइड हो रहा है वो उधर जाकर होगा मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से, माइनस का 33 प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 24। 6 अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों चलो मैं थोड़ा यहां पे करवा देता हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, तो बच्चों अब मैं इसे यहां पर कर देता हूं, माइनस का 33 प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 24। देख सकते हो मैंने इसको नहीं यहां उतार दिया, जगह नहीं थी। माइनस का 33 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 33। देखो बच्चों, ये माइनस का 33 उधर जाके प्लस का 33 हो गया। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये प्लस का y था, यहां क्यों नहीं है प्लस? बेटा प्लस नहीं भी लगाओ तो भी प्लस ही होता है। तो इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, y आ गया आपका प्लस का 9। देखो आ गया वाई। अब जो y निकला है इसे हमेशा तीसरी इक्वेशन पर बैठाना। देखो मैं लिख रहा हूं, पुट इन इक्वेशन थर्ड, मतलब कि इस y इज इक्वल टू 9 को हमें तीसरी इक्वेशन पर बैठाना है। तो पहले तो आप तीसरी इक्वेशन को उतारो, x इज इक्वल माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन में 6। ये है हमारी तीसरी इक्वेशन, उतार दिया तीसरी इक्वेशन। अब उस पर इसको बैठाएंगे, बैठाने का मतलब है जहां पर y दिखेगा वहां पर 9 लगा दो। चलो करते हैं, जहां पर भी दिखेगा y, देखो y आ गया उसकी जगह पर 9 लगा दिया, ब्रैकेट बना दिया, कोई दिक्कत। जहां पर y था उसकी जगह पर 9 लगा, ध्यान से देख लो अच्छे से, ठीक है। माइनस का 3 और ये प्लस आ गया, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से होता है मल्टीप्लाई, तो 5 9 आ गया 45 और ये आ गया 6। x is equal to, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर 42 और नीचे 6 आता है। आपको पता है ये दोनों 6 के टेबल से कट रहे हैं, ये कटता है 1 बारी पे और ये कटता है 7 बारी पे। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, x आपका 7 आ गया। तो बच्चों यहां पर लिख देता हूं x is equal to 7, आपका x और y दोनों आ गया। अब आपको लिखना क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन करना था ना, हेंस ध्यान से सुनना, nr को आपने माना था आपका x, याद होगा आपको, और nr आपका क्या आ गया, x की जगह पर 7 लिख, NR 7 आके आपके DR को आपने माना था Y और DR आपका आ चुका है 9, तो DR Y आ गया। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हमारी फ्रैक्शन थी, देखो फ्रैक्शन हो जाएगी X अपॉन Y थी ना हमारी फ्रैक्शन, हमारी फ्रैक्शन X अपॉन Y थी, देख सकते हो हमारी, ओ सॉरी यहां पर लिखी थी मैंने, X अपॉन Y थी हमारी फ्रैक्शन। X की जगह पर आएगा 7 और Y की जगह पर आएगा 9, तो मतलब हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई है, 7 अपॉन 9, जैसा कि उसने बोला था फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ढूंढो, हमारी फ्रैक्शन 7 अपॉन 9। आप देख सकते हैं, जल्दी से उतार लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो सिक्स वाला पार्ट है जो कि मैंने उतार दिया, जल्दी से इसे पढ़ते हैं। 5 ईयर हेंस, माने कि 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। वो कह रहा है 5 साल बाद जैकब की जो उम्र होगी वो उसके बेटे से बड़ी होगी, और कितना, 3 गुना। वो तो जाहिर सी बात है जैकब और जैकब का बेटा, भाई जैकब की एज ज्यादा होगी, जैकब के बेटे की एज कम होगी, और कितनी ज्यादा होगी, 3 गुना होगा। देखो 3 टाइम्स लिखा हुआ, ठीक है। चलिए नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं, 5 ईयर अगो, मतलब कि 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो उसके बेटे की एज से बड़ी थी। तो भी भाई भाई कोई भी फादर हो अपने सन से हमेशा बड़ा ही रहता है ना, ऐसा थोड़ी होता है सन ज्यादा बड़ा रहता है, कभी नहीं। ये कह रहा है 5 साल पहले जैकब की जो उम्र थी वो उसके बेटे की उम्र से बड़ी थी, लेकिन कितना, 7 गुना बड़ी थी, 7 टाइम। बहुत आसान है इसकी इक्वेशन लिखना, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है हमें, तो जो चीज निकालनी है उसे ध्यान रखा करो, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, हमें किन किन की प्रेजेंट एज निकालनी है, जैकब की और जैकब के बेटे की। तो लेट
जो निकालना है उसी को एक्स वाई मानते हैं. लेट जैकॉब प्रेजेंट एज बी इज इक्वल और सन्स लिख देता हूं सीधा उसी का बेटा सन्स प्रेजेंट एज बी इज इक्वल. हमें इन्हीं दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, एक तो जैकॉब की और एक उसके बेटे की. तो जैकॉब की प्रेजेंट एज का मतलब होता है बच्चों अभी की उम्र. जैकॉब अभी कितने साल का है मुझे नहीं पता तो एक्स ले लिया. जैकॉब का बेटा कितने साल का है अभी तो मैंने वाई ले लिया. ठीक है इन्हीं दो वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग. चलिए ठीक है पहली इक्वेशन बना. देखो क्या बोला उन्होंने, फाइव ईयर हेंस माने कि पांच साल बाद. फाइव ईयर हेंस लिख भी देता हूं मैं इधर, माने कि पांच साल बाद वाला केस ले रहा हूं. ठीक है पांच साल बाद वाला, ये उम्र अभी की है. अगर मैं आपसे बोलूं जैकॉब अभी कितने साल का है तो आप बोलोगे एक्स, और मैं आपसे बोलूं जैकॉब पांच साल बाद कितने का हो तो आप बोलोगे एक्स प्लस वाई, और अगर मैं आपसे बोलूं जैकॉब तीन साल बाद कितने साल का होगा तो आप बोलोगे एक्स प्लस थ्री, अगर मैं आपसे बोलूं जैकॉब दो साल पहले कितने साल का होगा तो आप एक्स माइनस टू करोगे. ठीक है कितना सिंपल. ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखना. देखो क्या बोल रहा था, पांच साल बाद जो है वो जैकॉब की उम्र और उसके बेटे की उम्र क्या होगा, जैकॉब बड़ा होगा भाई. देखो पांच साल बाद जैकॉब की एज और उसके सन की एज क्या वो बराबर होगी, बिल्कुल भी नहीं भाई. जैकॉब ये रहा उसका बेटा ये रहा भाई बड़ा होगा ना, जैकॉब की एज बड़ी होगी और जैकॉब के बेटे की वो छोटी होगी, और कितना गैप है इनके बीच में, थ्री टाइम्स का गैप. ये बड़ा सिंपल है बच्चों, पांच साल बाद वाला केस है वो छोड़ो. आप बताओ पांच साल बाद हो या अभी का हो या पांच साल पहले का हो, कभी कभी ले लो. जैकॉब अपने बेटे से हमेशा बड़ा रहेगा ना, और यहां पर बोला है पांच साल बाद, मैंने पांच साल बाद का केस ले लिया. जैकॉब का जो जैकॉब होगा और जैकॉब का जो बेटा होगा उसमें जैकॉब बड़ा होगा, और कितने का गैप है, थ्री टाइम्स का. अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो या तो इसे ऊपर लेकर आता हूं तो इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, या तो इस वाले पार्ट को नीचे लेकर आता हूं तो भी इक्वेशन बन जाएगी. इन दोनों के बीच में थ्री टाइम्स का गैप है. अगर मैं इसमें थ्री मल्टीप्लाई कर दूं तो ये थ्री मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, है ना, और ये बराबर हो जाएंगे. मतलब सन की एज में मैं अगर थ्री मल्टीप्लाई कर दूं, बेटे की उम्र में अगर मैं थ्री मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर तो ये बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे. देखो जैसे मैंने बेटे की उम्र में थ्री मल्टीप्लाई करा तो फिर यहां थोड़ी रहेगा, तो यहां आ गया बराबर हो गया ना, इक्वल इक्वेशन बन गई. जैकॉब की एज कैसे बनेगी, जब उसके बेटे की उम्र में तीन गुना कर दो. ठीक है चलो जैकॉब की एज, अब बहुत सारे जैकॉब की एज एक्स लिख देंगे. क्या ये जैकॉब की अभी की एज लिखने को बोला, नहीं पांच साल बाद की बात हो रही है भाई. अगर जैकॉब अभी है आपका एक्स साल का तो पांच साल बाद कितने का होगा, एक्स प्लस फाइव, इक्वल की जगह इक्वल, थ्री की जगह थ्री. ये बेटे की कौन सी उम्र रखनी है, बेटा अगर अभी वाई साल का है तो पांच साल बाद कितने का होगा, वाई प्लस फाइव. ठीक है ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है तो पहले तो लिखते हैं इसे x प्लस फाइव, थ्री वाई से मल्टीप्लाई होगा थ्री वाई, फिर ये बीच का प्लस आ गया, थ्री फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो फिफ्टीन. वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ कर लो. एक्स ये रहा, ये प्लस का थ्री वाई है, इधर आके माइनस का थ्री वाई हो, ये प्लस का फाइव है, इधर आके माइनस का फाइव हो. ठीक है चलो देखते हैं, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 10. तो बन गई बच्चों ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपके सामने पहली इक्वेशन कितनी सिंपल. दूसरी इक्वेशन भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वो भी आराम से बन जाएगी. देखो पहली इक्वेशन बना दी, अब दूसरी इक्वेशन पढ़ते हैं. दूसरी इक्वेशन के लिए कौन सा केस है, फाइव ईयर अगो मतलब पांच साल पहले का केस है. फाइव ईयर्स अगो पांच साल पहले का केस है. अब पांच साल पहले की अगर हम बात करें तो जैकॉब की एज और उसके बेटे की एज क्या बराबर होगी, नहीं कभी बाप बेटे कभी बराबर होते ही नहीं है भाई. जैकॉब की एज येरी और उसके बेटे की एज येरी, है ना, जैकॉब बड़ा होगा उसके बेटे की उम्र कम होगी. तो यहां पर क्या बोला है, उसके बाप की उम्र और उसके बेटे की उम्र में कितने का गैप है, सेवन टाइम्स का गैप है. माने कि अगर मैं इसमें सेवन मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा यहां से मल्टीप्लाई करके ऊपर चलेगा, हो जाएगा बराबर. मतलब कि उसके बेटे की उम्र में अगर मैं सेवन को करूं मल्टीप्लाई तो ये बराबर हो जाएगा. देखो ये मैं नहीं कह रहा, उसकी लाइन में लिखा हुआ, पांच साल पहले जैकॉब के बेटे और जैकॉब की उम्र के बीच में सात गुना का फासला, तो मैंने सेवन जैसी मल्टीप्लाई किया तो वो ऊपर आ गया.
क्लियर है पक्का। मैं एक और चीज कर सकता था, मैं इसमें से 7 डिवाइड करके इसे नीचे लेकर आ सकता था, है ना, इसमें से 7 हटा देता तो भी नीचे आया था, है ना, लेकिन मैंने उसको मल्टीप्लाई करना था, सही समझा। तो अब इसे करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर जैकॉब की कौन सी उम्र लिखनी है वो बड़ा फोकस वाला पॉइंट है। जैकॉब की क्या प्रेजेंटेज लिखनी है? नहीं, 5 साल पहले की। जैकॉब अगर अभी एक्स का है तो 5 साल पहले होगा आपका एक्स माइनस 5, ठीक है, इक्वल की जगह इक्वल, 7 की जगह 7। यार ये बेटे की कौन सी उम्र लिखनी है? बेटे की भी कौन सी? 5 साल पहले वाली उम्र लिखनी है। अगर बेटा अभी आपके वाई साल का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 का, ठीक है, करते हैं x माइनस 5, ब्रैकेट के बाहर वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 को y से करेंगे 7y माइनस आ गया, 7 को 5 से करेंगे 35, ठीक है, वेरिएबल वालों को एक तरफ कर ले, ये प्लस का 7y है माइनस का 7y होगा, इस माइनस के 5 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है, ये तो एज इट इज अपनी जगह पर। x माइनस 7y इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे माइनस का 30 आएगा। तो बच्चों ये बन गई है आपकी दूसरी इक्वेशन, देख लो, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है और उससे इक्वेशंस को फॉर्म करना, एज वाला तो बड़ा आसान होता है, ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, चाहे 5 साल बाद वाला केस ले लो, 5 साल बाद वाला केस ले लो, चाहे आप 5 साल पहले वाला केस ले लो, भाई जैकॉब हमेशा बड़ा होगा, उसका बेटा छोटा होगा, यहां पर गैप था 3 का, मैंने बेटे में 3 मल्टीप्लाई किया, हो गया बराबर, और 5 साल पहले वाले केस में कितने का गैप था? 7 का, तो मैंने बेटे में 7 गुणा करा तो भी बराबर होगा, ठीक है, अगर मैं बाप में 7 गुणा करता हूं तो और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज आप इससे पहले उतार लीजिए, तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों इक्वेशन को उतार दिया है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, और मैं बच्चों यहां पर चूज कर रहा हूं आपकी पहली वाली इक्वेशन, देख सकते हो पहली वाली इक्वेशन को चूज कर रहा हूं, ठीक है, अब पहली वाली इक्वेशन को चूज कर रहे हैं, एक बार इसे लिखता हूं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, मैं किसी एक वेरिएबल को यहीं पर रखूंगा, बाकी सब को उधर, और मैं x को इधर रखूंगा, माइनस का 3y है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3y, अगर यहां पर x के साथ कोई नंबर होता, यहां पर कोई नंबर होता तो मैं उसे भी उधर भेजता, ठीक है। तो चलिए तीसरी इक्वेशन है हमारी, क्या है, x इज इक्वल 10 प्लस 3y, ये बन गई है बच्चों हमारी तीसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। अब ये तीसरी इक्वेशन जो है वो डेरिवेट हुई है पहली से, तो इसे पुट करेंगे दूसरी, लिख देता हूं सेम, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, माने कि इस वाली इक्वेशन को दूसरी पे बैठाना है, तो पहले दूसरी को उतार लेते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब अपनी तीसरी वाली इक्वेशन को हम इस पे बैठाएंगे, तो तीसरी वाली को इस पे बैठाने का मतलब क्या है, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर 10 प्लस 3y लिख देंगे, 10 प्लस 3y x की जगह पर, देखो ध्यान से देखो, x की जगह पर 10 प्लस 3y, देखो आ गया x तो इसकी जगह पर 10 प्लस 3y, देख सकते हो बच्चों x की जगह पर 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, सिंपल है, आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला एकदम लाइक है, इनके वेरिएबल सेम है, देखो यहां पर भी y है वहां पर भी y है, सॉल्व करते हैं इसे, देखो पहले आ गया 10, इसे सॉल्व करोगे माइनस का 4y और ये आ गया माइनस का 30, ठीक है, ये जो 10 है इधर प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का, देखो हो गया माइनस का 10, प्लस का 10 तो उधर के माइनस का हो गया, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस 40, ये हो जाएगा देखो ध्यान से माइनस 40, माइनस का 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है बच्चों नीचे आ जाएगा dr, माइनस से तो माइनस कट गया, हटाओ 4 वनजा और 4 टेनजा, नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती, y आ गया आपका 10, तो मैं लिख देता हूं y आ गया आपका 10, और इसको हमेशा बैठाएंगे पुट इन इक्वेशन थर्ड, ये जो y निकला है हमेशा तीसरी इक्वेशन पे बैठाते हैं, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको सीरियल वाइज, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा याद हो जाएगा, क्लियर। चलिए बैठाते हैं जल्दी से, इसको बैठाएंगे तीसरी इक्वेशन पे, तो पहले तीसरी को उतार लेते हैं, तभी तो बैठाएंगे, x is equal to 10 plus 3y, ये है आपकी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब जहां पर भी देखो यहां इस वाली इक्वेशन को इस पे बैठाएंगे कैसे समझो, जहां पर भी y दिखेगा वहां पर क्या लगा देंगे 10, ठीक है, x is equal to 10 plus 3, देखो आ गया भाई
तो y की जगह पर 10 लगा देंगे ब्रैकेट डाल, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 times 30, तो x हो गया आपका 40, x भी आ गया y भी आ गया। अब बच्चों हमें क्या बोला था, व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज, दोनों की प्रेजेंटेज निकालनी थी ना, तो अब लिखेंगे हेंस जैकोब की प्रेजेंट एज को हमने माना था x, मतलब जैकोब कितने साल का है अभी, हमने x बोला था ना, तो कितना आ गया 40, माने कि जैकोब की प्रेजेंट एज क्या है 40। अब उसके बेटे की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी, उसके बेटे की प्रेजेंट एज मानी थी हमने y, और y कितना निकला है 10। तो यहां पर देख सकते हो आप, हमने उन दोनों की व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उन दोनों की प्रेजेंट एज निकाल दी। जैकोब है हमारा 40 साल का और उसका बेटा है हमारा 10 साल का, ये 5 साल बाद या 5 साल पहले की उम्र नहीं है, प्रेजेंट एज है अभी की उम्र। तो जल्दी से इसे उतार लीजिए आप। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। इसी क्वेश्चन के इस पार्ट के साथ इस एक्सरसाइज का होता है दी एंड। अब आपसे मिलेंगे किसी नई वीडियो में अगले वाले आने वाले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अगर आपको डीमैस की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।